वहीं जब से कैथल विधानसभा सीट बनी तब से 2014 तक कभी भी बीजेपी ने यहां जीत हासिल नहीं की, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैथल में इतिहास रच दिया। दरअसल बीजेपी के लीला राम ने कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार सुरजेवाला को मात दी, जो कि पहले भी लगातार दो बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, विधानसभा चुनाव 2019 पूर्ण हो चुके हैं, हार और जीत का आंकड़ा दर्ज हो चुका है। जनता टीवी के कार्यक्रम पड़ताल के तहत हम इन कारणों को जानने में लगे हुए हैं कि प्रत्याशियों की हार और जीत का कारण क्या रहा। गौरतलब है कि कैथल विधानसभा से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल से दो बार विधायक रहे रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके मुकाबले में पूर्व विधायक लीला राम चुनाव लड़ रहे थे। लोगों का यही मानना था कि रणदीप सुरजेवाला अपनी प्रदेश की राजनीति को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, जिनके कारण लोगों से उनका मिलना जुलना कम हो पाया। और लोगों का यही मानना था कि उन्हें एक ऐसा विधायक चाहिए जो स्थानीय स्तर पर रहकर लोगों के मुद्दे सुलझा सके, लोगों की शिकायतें दूर कर सके। लेकिन रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय राजनीति में जाने की वजह से कैथल के लोगों को कम समय दे पाया, यही कारण उनकी हार का रहा। इस चुनाव में कैथल सीट की चौंकाने वाली कहानी है, क्योंकि हरियाणा में भले ही बीजेपी को बहुमत ना मिला हो, लेकिन कैथल विधानसभा में बीजेपी की जीत का खाता जरूर खुल गया। आजादी के बाद से बीजेपी कभी इस सीट पर नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब की बार लीला राम गुजर ने बीजेपी के सिर से हार के टैग को हटा दिया। चलिए, अच्छी बात है क्योंकि इस सीट पर इतिहास रचा गया है, लेकिन अगर इतिहास रचा जाए तो इसके पीछे मेहनत भी होती है और कई कारण भी। हमने उसी की पड़ताल की तो पाया कि काफी लंबे समय से लीला राम जनता से जुड़े रहे हैं। पहले भी बतौर कार्यकर्ता उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो इस जीत का श्रेय बीजेपी के विकास कार्यों को भी जाता है। और अगर जाति समीकरण की बात करें तो लीला राम को गुजर वोट बैंक का फायदा मिला। लीला राम जी एक शुरू से 1996 में भी जो इलेक्शन लीला राम जी ने लड़ा, वो एक सिद्धांतवादी विचारों के नेता हैं हमारे, और जो बात को कोई भी चीज़ वो पकड़ते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं उसको अंत तक ले जाने की उनमें क्षमता है, और जो वायदा वो पब्लिक को करते हैं, जो कार्यक्रम वो करते हैं, उनका कोई सानी नहीं है। और लीला राम जी का जीतने का यही कारण मेन है, और सेकेंडरी एक बीजेपी के वो कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। अब एक और खास बात जो पड़ताल में सामने आई वो ये कि लीला राम गुजर को बीजेपी का साथ तो मिला ही, इसके अलावा वो चुनाव में अपनी इनेलो वाली टीम को भी साथ लेकर मैदान में उतरे थे। दरअसल लीला राम पहले इनेलो में ही थे और 2000 में वो विधायक भी बने थे। जब हमने विधायक लीला राम गुर्जर से जीत के कारण जानना चाहा, तो उन्होंने सीधे कहा कि उनकी जीत का कारण कैथल की जनता है। इतना ही नहीं, जो कारण जनता टीवी ने आपको बताए लीला राम गुर्जर ने उन सबको स्वीकारा। एक बार आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। सबसे बड़ा तो ये था जी, लोग मेरे को अपना भाई बेटा चाचा ताऊ मानते हैं। खैर, अब जो लीला राम के प्रतिद्वंदी थे यानी कि सुरजेवाला, उनकी हार को लेकर जब लीला राम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिनके लोग उन्हें पहले ही नकार चुके थे, अब कैथल की जनता ने भी उन्हें नकार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पहले लोग जब उनसे मिलने जाते थे तो वो घंटों इंतजार कर वापस लौट आते थे। मैंने जैसे सुना है कि चार चार घंटे के बाद, चाहे मंडी के व्यापारी भाई है, चाहे ऑफिसर लोग भी थी, चाहे कर्मचारी थे, चाहे किसान थे, चाहे दुकानदार थे, उनकी कोई मांग होती थी और तब मिलने जाते थे ना, वो चार चार घंटे के बाद भी निराश होकर के वापिस लौटते थे। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का था, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला भी अच्छी खासी पहचान रखते हैं, और इस कड़े मुकाबले में राउंड दर राउंड दोनों उम्मीदवार टक्कर देते रहे, और आखिरी राउंड में सुरजेवाला 1570 वोटों से हार गए। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले सुरजेवाला की हार बचाना आसान नहीं था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की, और ये जरूरी भी था।
क्योंकि सुरजेवाला 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां से चुनाव जीते थे और इससे पहले 2005 में उनके पिता ने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। हार के कारणों की पड़ताल की गई तो सामने आया कि सुरजेवाला अपने हलके के लोगों के बीच ज्यादा नहीं रहे। अपने हलके को छोड़ राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं से मुलाकात में वो व्यस्त रहे, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। स्थानीय कार्यक्रमों में भी सुरजेवाला शामिल नहीं हुए। कैथल से विधायक रहते हुए भी जींद में उपचुनाव लड़ना, इसके अलावा एक कारण ये भी पता चला कि लोग बीजेपी की जीत तय मानकर चल रहे थे। रणदीप सुरजेवाला जी की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बिल्कुल जमीन से कट गए थे पिछले 5 साल से, और जनता के साथ इनका जुड़ाव बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, जिसके कारण से जनता का भी सुरजेवाला जी से पिछले 5 साल में लगभग मोह खत्म हो चुका था। क्योंकि एक तो जनता को अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में जो शासन में प्रशासन में काम करवाने के लिए दिक्कतें आ रही थी, उसमें रणदीप सुरजेवाला जी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। इतना ही नहीं, सुरजेवाला को शायद पार्टी में उनके खिलाफ भीतरघात का अंदाजा पहले से ही हो गया था, और यही वजह थी कि उन्होंने कहा था कि जो भी उनके खिलाफ काम करने वाले लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, वो उन्हें अच्छे से पहचानते हैं और सीधा करना भी जानते हैं। तो चलिए, अब कैथल की जनता से भी हमने बातचीत की, क्योंकि सुरजेवाला को जब जनता ने हराया तो जनता से बात करना बेहद जरूरी था, क्योंकि जनता ही हार के सबसे बेहद कारण बता सकती थी। तो लोगों ने जनता टीवी के कैमरे पर खुलकर कहा कि वो जनता से दूर होते चले गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ वो बिजी रहते थे, लोग जब मिलने जाते थे तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ता था। लीजिए आगे की बात उन्हीं से सुन लीजिए। जिस प्रकार से कैथल की जनता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को लगातार 3 टर्म यानी के 15 साल कैथल की सेवा करने का मौका दिया, पर लोग जो चाहते थे उन्हें वह नहीं मिला। जिस प्रकार से लोग उनसे मिलने जाते थे, लगातार कई कई घंटे 4-5 घंटे कतारों में खड़े रहना पड़ता था, और वो साहब ऊपर से नीचे नहीं आते थे। ये करारा जवाब था जनता के प्रति व्यवहार का या फिर दुष्प्रचार का, क्योंकि चुनाव में दुष्प्रचार के आरोप लगने आम बात है। जो भी था, लेकिन कैथल में इस बार वो हुआ जो ना तो लीला राम भुला सकते हैं और ना ही सुरजेवाला, क्योंकि पड़ताल के मुताबिक सुरजेवाला को जनता ने आईना दिखा दिया और लीला राम ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया, और ऐसा इतिहास जिससे खुद को इल्म भी मिलेगा और प्रतिद्वंदी को इल्तफात भी। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी।